सत श्रीकाल इंडिया न्यूज़ पंजाब के डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा स्वागत है। तो मैं हाँ तुहाडे नाल परमजीत कौर। 90 के दशक के रवीना टंडन और अक्षय कुमार की जोड़ी नू दर्शकों के वलों काफ़ी प्यार मिलता सी, उस जोड़ी नू काफ़ी पसंद भी किया जाता सी। सो काफ़ी लंबे समय तक इस जोड़ी ने जिहड़ा कि काम नहीं किया एक दूसरे के नाल, पर तुहानू असीं दस दिंदे कि इस जोड़ी ने बॉलीवुड नू कई सुपरहिट फिल्मां भी दित्तियां ने। सो हालांकि अचानक दोवां ने अपने जिहड़े कि राह भी बदल ले, जिस तों बाद लग रहा सी कि उह कदे भी एक दूजे दे नाल फिल्मां नहीं करनगे। सो दोवां ने आपसी दुश्मनी नू भी पूरी शिद्दत दे नाल जिहड़ा कि निभाया। हालांकि हुण अजिहा लग रहा है कि बॉलीवुड की यह एकेस कपल जल्द ही एकजुट होने वाली है। जी हाँ, खबरों मुताबिक 19 साल बाद अक्षय कुमार रवीना टंडन के नाल काम करने के लिए तैयार ने। सो जल्द ही इन्हों जोड़ी वेलकम 3 के बनेगी। सो फिल्म फेयर की रिपोर्ट के अनुसार रवीना जल्द ही अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम 3 के बतौर लीड अभिनेत्री नज़र आएगी। हालांकि अजे तक इस कोई अधिकारित पुष्टि नहीं हुई है, पर जेकर रिपोर्टा सच साबित होंदिया ने तो रवीना और अक्षय वेलकम 3 के इकट्ठे आते हैं, तो यह 19 साल के बाद उन्होंने ऑन स्क्रीन रीयूनियन होगा। सो दोवें सितारे ने आखिरी बार 2004 आई फिल्म आन मैन एट वर्क के लिए स्क्रीन शेयर की। सो दस दिए कि 1990 के दहाके के रवीना टंडन और अक्षय कुमार का रिश्ता हर किसी की जुबान पर होंगे। सो फिल्म के नाल उन्हों की लव स्टोरी की भी काफ़ी चर्चा होंगी सी। सो यह जोड़ी पहली बार 1994 फिल्म मोहरा के नज़र आई थी। इस तो बाद रवीना और अक्षय ने खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बड़ू बारूद वर्गिया कई हिट फिल्मां भी दित्तियां, दर्शकों ने काफ़ी इन्हों पसंद भी किया। सो मीडिया रिपोर्टा मुताबिक दोवें फिल्म जिहड़ी कि मोहरा की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के नेड़े आए सन। सो दोवें एक दूजे के लिए इन्ने गंभीर सन कि उन्होंने मंगनी भी हो गई सी, पर फिर की अजिहा होया कि रवीना और अक्षय वक् हो गए। सो इस तो बाद यह दोवें कदे भी इकट्ठे नज़र नहीं आए और ना ही इस जोड़ी की कदे कोई फिल्म सामने आई है। पर हुण ताज़ा खबरों तो यह लगता है कि बॉलीवुड की यह एक्स जोड़ी कई सालों के बाद इकट्ठे नज़र आने वाली है।